हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। जब केबीसी के सेट पर रो पड़े रितेश और जेनेलिया, वजह जानकर आप भी करेंगे उनकी तारीफ। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रितेश देशमुख को तो आप लोग जानते ही हैं, उनकी एक्टिंग को और उनके कामों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जेनेलिया को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है और उनकी आए दिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो आती है वो वीडियो भी काफी ज्यादा मिलियंस में जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग सोनी टीवी पे आ रहे केबीसी के बारे में बात करें तो केबीसी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। केबीसी का 13वां सीजन जो है अभी चल रहा है। अमिताभ बच्चन को हमेशा ही काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और उसी दौरान ही इसमें आ रहे कंटेस्टेंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि कंटेस्टेंट जो है अपनी सूझबूझ से काफी सारे पैसे जो है यहाँ से कमा के भी जाते हैं। अभी शुक्रवार को एक एपिसोड आने वाला है जिसमें आप लोग एक्ट्रेस जेनेलिया और रितेश देशमुख को देखने वाले हैं। ये एक फ्राइडे का स्पेशल एपिसोड होने वाला है। ये दोनों यहाँ पर आएंगे और अपनी समझबूझ से काफी सारे पैसे भी कमाएंगे, पर वो पैसे जो है एक चैरिटी में जाएंगे। वो चैरिटी ये है कि वो कैंसर पीड़ित बच्चों का एक्चुअली में इलाज करती है। इसी दौरान ही जैसे ही ये सेट पे आए तब वैसे ही जेनेलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केबीसी 13 करके कमेंट जरूर कीजिए। जेनेलिया और उनके पति रितेश को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। केबीसी के आने वाले शो को, आने वाले एपिसोड को एक छोटा सा प्रोमो जो है वो शेयर किया गया है। शेयर करने के बाद काफी सारे लोग इस शो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, इस एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि उनके फेवरेट जेनेलिया और रितेश आ रहे हैं। जैसे ही रितेश और जेनेलिया वहां पर आते हैं वैसे ही रितेश आके सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी दौरान ही वहां पर काफी सारे सवालों के आंसर देने से पहले अमिताभ बच्चन जी उनसे ये चीज पूछते हैं कि कितनी तैयारियां आप करके आए हैं, जहां पर रितेश ये बात बोलते हैं कि तैयारियां तो मैं कुछ नहीं करके आया, मैं बहुत ज्यादा सिंपल हूं, पर मैं अपना गुड लक जो है, लेडी लक, मैं अपने साथ लेके आया हूं, यानी कि जेनेलिया को मैं अपनी जिंदगी को साथ में लेके आया हूं, वो मेरी हेल्प यहां पर करेगी, क्योंकि उसकी मेमोरी लाइफ लाइन में लेके आया हूं साथ में, उसकी मेमोरी जो है वो काफी ज्यादा तेज है, काफी ज्यादा शार्प है। इसी दौरान ही अमिताभ बच्चन जी उनको बोलते हैं कि पत्नियों की मेमोरी काफी ज्यादा शार्प है, ये तो बात अच्छी है, पर ये शार्प मेमोरी कभी कभार हमें काफी ज्यादा दुख दे जाती है। जिसके बाद इसके ऊपर सहमति जताते हुए रितेश नजर आते हैं। उसी दौरान ही रितेश जेनेलिया के साथ काफी ज्यादा रोमांस करती है और अमिताभ बच्चन जी की काफी बड़ी बड़ी मूवीज के डायलॉग्स भी बोलते हैं, जहां पर वो ये बोलते हैं कि जेनेलिया तुम यहाँ पर हो, यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। काफी सारी बातें वो बोलते हुए नजर आती हैं और इसी दौरान ही एक वीडियो दिखाई जाती है रितेश और जेनेलिया को, जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कितने ज्यादा कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है, और छोटे छोटे बच्चे जो है ये बात बोल रहे हैं कि वी आर स्ट्रांग। इतनी बात देख के जेनेलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रितेश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनका कहना ये है कि इन मासूम बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है, भगवान इनको जल्द से जल्द ठीक कर दे, और इनके लिए ही ये यहाँ पर इस स्टेज पे आई हैं और स्पेशल एपिसोड रखा गया है। जितने भी ये क्वेश्चन के आंसर देंगे, जितना भी ये कमाएंगे, पूरा ये पैसा जो है चैरिटी को सौंप दिया जाएगा, जो चैरिटी मासूम बच्चों का इलाज करती है, जो मासूम बच्चे कैंसर से पीड़ित है। केबीसी 13 करके कमेंट जरूर कीजिए और आप लोगों को जेनेलिया और उसी दौरान ही रितेश देशमुख का ये काम कैसा लगा जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।